जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक वैकेंसी निकल के आ गया है। यूनिक मतलब दोस्तों ये सबसे अलग है, इस पे कॉम्पिटिशन कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भरने वाले नहीं है। तो यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शन होने का चांस तो बनता ही बनता है। तो ये वैकेंसी दोस्तों कुछ हट के है। देखिए ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, इसका विभाग समझिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट, ये निकल के आ गया दोस्तों परमाणु विभाग में, ठीक है, परमाणु विभाग जिसको बोलते हैं एटॉमिक डिपार्टमेंट, ठीक है। यह वैकेंसी निकाल के आ गया NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, समझ में आ गया। अप्लाइड डेट की बात करेंगे तो देखिए 5 जून से इसका ऑनलाइन चल रहा है, लास्ट डेट रहेगा 25 जून, 25/6/2024 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। मात्र 20 दिन ही फॉर्म भरने का समय दे रहा है। अप्लाई करने में दोस्तों कितना पैसा देना होगा, तो केवल 100 रुपये देना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी यदि आप एससी एसटी महिला होंगे तो आपको पैसे नहीं लगेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों पोस्ट कितना है। तो देखिए यदि आप जनरल हैं तो जनरल के लिए दोस्तों ज़्यादा सीट है, 26 सीट है। यदि दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ओबीसी की यदि बात करेंगे दोस्तों तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 18 सीट है। और इसके बाद दोस्तों एससी का देख लीजिए, एससी का 5 है और एसटी का भी 5 है। टोटल सीट है दोस्तों 58, ठीक है। एक तो सीट कम है इसलिए विद्यार्थी नहीं भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी बात विभाग सबसे अलग है इसलिए कंपटीशन तो इस पर कम रहेगा ही रहेगा, ऑटोमेटिक कम रहेगा, ठीक है। अब हम आपको इसका एज लिमिट समझाते हैं। देखिए एज लिमिट जो है दोस्तों, इस पे एज कितना होना चाहिए, सबसे पहले आपका एज कब से काउंट करेगा, 25 जून 2024 तक आपका उम्र हो जाना चाहिए, इसी दिन से उम्र देखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बता देते हैं आपका कम से कम 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए यदि आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब, ठीक है। बाकी यदि आप ओबीसी होंगे तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और यदि आप एससी या एसटी होंगे तो आपको 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो वेतन इस पे अच्छा खासा वेतन आपको मिलेगा। वेतन दोस्तों 25,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा, प्लस में लिखा है कि 50% आपको महंगाई भत्ता वगैरह भी देगा। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो लगभग 38,000 के आसपास आपका सैलरी यहाँ पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी बढ़िया है, विभाग सबसे अलग है। देखो अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, उससे पहले हम आपको इसका योग्यता बताते हैं कि इस पे योग्यता क्या मांगा है। देखिए इस पे आपको कौन कौन भर सकते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इस पे कंडीशन है कि आपका 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम थंबनेल में लिखे थे कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए तब भर पाओगे, तो 50% जरूरी है। तो यदि आपका 50% है तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि जिसका जिसका 50% नहीं है वो तो नहीं भर पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया समझाते हैं कि चयन का जो है वो प्रोसेस दोस्तों क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इस पर सबसे पहले रिटर्न होगा। दूसरा प्रक्रिया में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के बाद दोस्तों आपका डीवी होगा, डीवी इसके बाद आपका ज्वाइनिंग कर देगा, ठीक है। इस पर फिजिकल वगैरह का कोई सब टेंशन नहीं है, आपको एग्जाम देना है, स्किल टेस्ट देना है, और फाइनल आपका दोस्तों इस पर जॉब मिल जाएगा। अब हम आपको इसका सिलेबस समझाते हैं। तो देखिए यदि एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, देखिए एग्जाम पैटर्न, ठीक है, इस पे आपको 2 स्टेज में आपको एग्जाम देना होगा। एक को बोलेंगे स्टेज 1 और दूसरा है दोस्तों आपका स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, इस पे आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम लेगा, क्लियर है। इसके बाद आपको 2.5 घंटा आपको टाइम दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर नेगेटिव आपका 1/3 का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। इस पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3 सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, जीके और करंट अफेयर्स मिला के दोस्तों पूछेगा पूरा 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन देगा, देखिए कंप्यूटर से रहेगा 15 क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछेगा 10 क्वेश्चन,
ठीक है। तो मेनली तीन सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है। जनरल कैटेगरी को पास करने के लिए 40% नंबर लाना होगा, बाकी एस सी एस टी को 30% नंबर लाइएगा, आप पास हो जाएगा, पहुंच जाएगा स्टेज टू में। स्टेज टू के यदि सिलेबस की बात करेंगे तो इस पे भी दोस्तों वही कंडीशन है, 50 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन तीन तीन नंबर, तो 150 नंबर का आपका एग्जाम लेगा। इस पे दोस्तों नेगेटिव इस पे रहेगा, 1/3 का नेगेटिव रहेगा, और आपको समय मिलेगा 2 घंटा, कितना मिलेगा 2 आवर्स आपको टाइम दिया दे रहा है। और साथ ही साथ इस पे मैथ पूछेगा, देखिए मैथ पूछेगा 25 क्वेश्चन, इसके साथ साथ रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सबसे यूनिक वैकेंसी है दोस्तों। और हाँ, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लेगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, मेनली आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या होगा, टाइपिंग का टेस्ट लेगा। देखो टाइपिंग टेस्ट में आपको देगा 300 वर्ड्स देगा, 300 शब्द देगा, बोलेगा टाइप करो, ठीक है। समय मिलेगा दोस्तों आपको इसके लिए 10 मिनट, कितना टाइम मिलेगा 10 मिनट का टाइम देगा, यानी आपका स्पीड कितना हो गया 300/10, तो 30 का दोस्तों स्पीड चाहिए, यानी 30 WPM वर्ड पर मिनट आपको स्पीड से टाइपिंग करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यही सब प्रोसेस है दोस्तों, समझ में आ गया। और ये दोस्तों पब्लिक सेक्टर का वैकेंसी है, मतलब एक तरह का गवर्नमेंट वैकेंसी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर NPCIL लिखा हुआ है, मतलब लिमिटेड लगा हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे यूनिक है, अधिकतर स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है कि इसका फॉर्म भरेंगे, और जो भरेंगे वो लकी होंगे और सिलेक्शन लेंगे, पक्का लेंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई जाना नहीं चाहता होगा, कोई किसी का 50% होगा ही नहीं तो भरेगा कैसे। तो तरह तरह के स्टूडेंट होते हैं, तरह तरह की परेशानी होती है। यदि आपका नंबर 50% से ऊपर है तो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों बहुत मतलब लगातार नहीं आता है, 1-2 साल बाद ही ये वैकेंसी जारी होता है। तो अभी फिलहाल निकला हुआ है, आप जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून से दोस्तों इसका फॉर्म भी चालू हो गया है, तो आप भरिए, नौकरी लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, ये तो खैर हम आपको बोर्ड में बता ही दिए हैं। बाकी चीज़ दोस्तों कैटेगरी वाइज सब चीज़ सीट वगैरह दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है दोस्तों ग्रुप सी, यहाँ पर ग्रेड सी दोस्तों सहायक ग्रेड 1, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 का दोस्तों वैकेंसी है, लेकिन ग्रुप सी का ये वैकेंसी है, समझ में आ गया। चलिए आपको हम बोर्ड में ही दोस्तों सारा चीज़ समझाते हैं, और इसका PDF जो है ना हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो आप उसको वहां से भी डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर प्रकार का जो भी सरकारी वैकेंसी का अपडेट होगा ना हम आपको जानकारी देंगे। और इसका जो PDF है ना, हिंदी में बहुत बढ़िया PDF है नोटिफिकेशन, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। तो हम PDF जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल में अभी डाल देते हैं, उसको अभी तुरंत डाल देंगे, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।